शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अरे अरे क्या हुआ? अरे तो हर पति के खिलाफ सबूत मिल गया देखा। अरे ये तो मेरी फोटो है। अरे साइड फेसे से चुड़ैल लग रही है देखिए। कैरी अंकल डायल लग रही है देखिए। कैरी अंकल अरे परकटी मुर्गी साली मंकिया। कैरी अंकल अरे जी करता है पेट भाई दबाई देगा साली। कैरी अंकल ये मेरी फोटो है। अरे भाई दास भाई चौधरी साहब इधर आओ। ओ क्या हो गया पाल? ये देखो ये मसाज पार्लर है। ओ भाई दास भाई मेरे को तो बोर्ड देखकर ऐसा लग रहा है जैसे 6-7 अंग्रेज लड़कियां है ना मेरे बदन को दबा रही है, मेरे को मजा आ रहा है। अरे साई मैं तो फॉरेन घूमने के बहाने इधर इंग्लिश मसाज कराने आया नहीं। तो मैं भी तो गोरे लोगों के हाथों अपना बदन दबवा नहीं आया था। तो मेरे कैरेक्टर के बारे में तो आप भाभी जी से पूछ सकते हो। तो चले अंदर। लेकिन अगर बीवियों को पता चला तो? हाँ यार। अरे साई एक बार अंदर जाएगा नहीं तो लाइफ ऐसी चेंज हो जाएगी दोनों लोग वाइफ को भूल जाएगा। कोई गड़बड़ होगी ना तो मेरी जवाबदारी। चलो चलो जल्दी चलो। वाह पार्लर तीनों गए अंदर। याद है कि रेशम का गोला है यार। ऐसे फिसलता है कि मजा आ रहा है यार। ओ भाई दास भाई मैं अगर अपनी पत्नी की तारीफ करूं तो आप सुनने के मूड में है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ओ आपने जंगल में कभी हथनी देखी है? नहीं देखी। ओ आप मेरे घर पे आइएगा मेरी पत्नी को देखिएगा एकदम हथनी लगती है। मैं मेरी पत्नी की तारीफ करूं? हाँ जरूर। आपने कभी भूतनी देखी है? सफेद भूतनी? नहीं भाई चांस तो नहीं लगा कभी। मेरी पत्नी अगर अपने सारे बाल खोल दे तो सफेद भूतनी दिखती है। ओ भाई दास भाई मेरी भाभी के बारे में तो ऐसी बात मत कीजिए प्लीज। अरे चौधरी साहब मैंने कहा ना फ्यूज उड़ा हुआ है वहाँ अपना बल्ब लगाने की कोशिश मत कीजिए। ओ बल्ब पर मेरा तो गाना गाने का दिल कर रहा है चौधरी साहब। चिंगारी ये फॉरेन में आकर लगता है कि साली हमारी शादी बहुत जल्दी हो। सावन आग। ओ बंद क्यों कर दिया जी? अरे चलाओ भाई क्यों मालिश बंद कर दी? चलाओ ऐसे ही मारना चाहिए। देखते हुए मेरे जैसे शरीफ पति को सटाएंगे नहीं। हाँ वैसे आपकी पत्नी यहाँ आने वाली नहीं। वो तो शॉपिंग के लिए गई है। पर डोंट वरी हमने उसे बता दिया है कि तुम्हारा पति भी मसाज पार्लर पे गया है। तो उसने कहा पहले तो तुम अच्छी तरह अपने पतियों को पीट लेना लेकिन उसके बाद मेरे पति को भी शिकायत का मौका मत देना। क्या मतलब? मतलब राज तुम यहाँ जा रहे हो तो? अरे तुम्हें नहीं पता इट्स अ स्ट्रिप्टीज जॉइंट। पता है तो? नहीं तुम ऐसी जगह कैसे जा सकते हो? मैं जा सकता हूँ। ओके इवन आई एम कमिंग। यस यू लव नो आई डोंट। यस यू लव नो नो आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू। बंदा नहीं सही बंदा ठीक है धंधा खराब है। क्या यार क्या है दिखता नहीं है क्या है? अरे धक्का मारा चलना नहीं आता का? अरे वॉकिंग ट्रेनिंग या वॉकिंग क्लास लिया कि नहीं? गिलास? अरे साई तेरा दिमाग तो खराब नहीं है मैं बेवड़ा थोड़ी है। गिलास थोड़ा तो मिलेगा जब पट्टी में जाएगा। पट्टी में जाएगा तू चलेगा पट्टी में चलेगा साई चलेगा मेरे साथ। यार कौन है कौन है? अरे बाबा जान नहीं आई एम मूलचंद चेलर बनी हाउ अबाउट यू? अरे चेला केला सरो ये थपड़ा देगा गड़बड़े कान में। क्या बोला किधर में गड़बड़ है मेरे को? क्या बोला? कान में बोला थोड़ी साई में ऊंचा सुनता है देखो मशीन भी लगाया है। मुखे मुखे माफी दियो मुखे मुखे माफी। अरे अंजलि भाभी। अरे पापा तुम यहाँ पढ़ कैसे? तुम तो जोड़ा बजाने वाली थी ना पर यहाँ कैसे? एक मिनट आप प्लीज मेरे हस्बैंड को मत बताएगा मैं अभी तक यहाँ पे हूँ प्लीज। हाँ अरे कैसे बताएगा वो होगा तो बताएगा ना तो क्या जोड़ा टिकट तो मैं निकाल के दिया ना राज मल्होत्रा के नाम से। हेलो अंकल कैसा हुआ? देख लिया आपने स्टूपिड अंकल। मैंने आपको बोला था ना ये आदमी बदमाश है बोला था ना? तुम्हारा पीछे तुम्हारा जासूसी तो नहीं करने गया? अरे कर भी रहा हो अब तक तो वापस आ जाना चाहिए मैं तो यहीं पे हूँ ना। अरे कैसा आएगा रंगीन तबीयत का जो है अंग्रेजी मैम गोरियां आजादी ऐसा मौका कोई छोड़ता है का? अरे अंकल ये तो और भी अच्छी बात है पूछे क्यों? कैसा अंजलि वहीं पर है मैं अभी उसको फोन लगाती हूँ वो ले आएगी अपने लिए सबूत उसके खिलाफ। अंजलि अंजलि बोल रही हूँ मैं। अरे कहाँ थी तू कितने फोन किए मैंने यार? हाँ अंजलि
अच्छा जल्दी से मुझे ये बता, तेरे साथ टूर में राज मल्होत्रा नाम का कोई आदमी ट्रैवल कर रहा है क्या? राज मल्होत्रा? हाँ साथ तो है। अरे यार वही तो मेरा हस्बैंड संजय है। क्या? हाँ और मुझे अभी अभी पता चला है कि वो नाम बदल के ट्रैवल कर रहा है। हेलो अंजलि, अंजलि, अंजलि आर यू देयर? हेलो अंजू, हेलो, हेलो अंजलि, अरे ये अचानक तुझे क्या हो गया था? वो तेरी बातें सुन के मुझे चक्कर आ गया था। चक्कर आ गया था? क्यों? वो क्या है ना कि मुझे तेरे हस्बैंड से प्यार हो गया है। क्या बात कर रही है तू? मुझे पता था ये रास्कल ऐसी ही किसी वजह से वापस नहीं आया है। लेकिन तू इतनी श्योर कैसे है कि वही तेरा हस्बैंड है? अरे आज ही हमारे ट्रैवल एजेंट ने मुझे बताया कि उसने राज मल्होत्रा के नाम से टिकट लिया है। क्या बात कर रही है, अब तो मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी उसके पास जाके उसको पूछूंगी कि शादीशुदा होते हुए उसने मेरे साथ क्यों ऐसा किया। होल्ड ऑन, अभी ऐसा कुछ मत करना। क्यों? व्हाई? अगर तू उससे ये सब डिस्कस करेगी ना तो ही विल बिकम अलर्ट। मैं चाहती हूँ तू इस किस्से को आगे बढ़ाए ताकि बाद में ना मैं तुझे उसके खिलाफ कोर्ट में पेश करूंगी गवाह की तरह। ए, तू क्या बात कर रही है? आई कांट डू ऑल दैट। अंजलि देख, मुझे पता है ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो यार। तू ये नहीं चाहती कि हम दोनों मिलकर उसको सबक सिखाएं? हाँ मैं कैसीनो से बोल रहा हूँ, मैंने उससे बात की है, वो मुझे मिलने आ रही थोड़ी देर में। मैं जानता हूँ वो तेरे प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है, तो जो कहेगा वो वही करेगी। तू एक काम कर, आज रात तू उसे अकेले कमरे में बुला। Are you mad? मैं देखना चाहता हूँ कि वो तेरे साथ इस बात को कितना आगे बढ़ाती है। तू क्या चाह रहा है यार, मैं अपनी दोस्त की वाइफ के साथ ऐसे बात बढ़ाने वाली बात कैसे कर सकता हूँ? तू पागल हो गया है? My life is a mess, man. यही मौका है उसको एक्सपोज करने का। अगर आज रात वो अकेले तेरे कमरे में आ जाती है ना तो देख लेना मैं उससे 100% डिवोर्स दे दूंगा। इस मौके को छोड़ना मत। ओके आई विल डू दिस। उसने इस मौके का फायदा उठा लिया तो क्या रे? सर प्रॉब्लम ये है कि आपकी बीवी भी ऐसे मौके की तलाश में रहती है। शट अप। ओके होटल के कैसीनो में वो मेरा इंतजार कर रहा है। अच्छा मैं वही जा रही हूँ। अब वो तुझे पाने के लिए कुछ भी कर देगा। तू एक काम कर, उसे अकेले रूम में बुला। अंजलि, और फिर अगर उसने तेरे साथ रूम में अकेले में कोई ऐसी वैसी हरकत की मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। अंजलि प्लीज डू दिस फॉर मी यार, बाय। राज यहाँ क्यों बुलाया तुमने मुझे? वेल तुमसे ये कहने के लिए कि आई लव यू। लगता है जैसे पर लगे हो। अंजलि मैं भी खड़े खड़े उड़ रहा हूँ। कम लेट्स प्ले अ गेम। कम ऑन, अब तक तो हम एक दूसरे को आजमाते रहे लेकिन आज अपने आप को भी आजमा ले। ये खेल कब खत्म होगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये खेल कब तक चलेगा, काफी बोर हो गया मैं इस खेल में। Let's stop it, man. Let's stop playing. वैसे भी जिस मशीन के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो उस मशीन के साथ खेलना नहीं चाहिए, अक्सर इंसान हार जाता है। Right. चलो कहीं चलते हैं। कहाँ? जहाँ तुम कहो। मेरे कमरे में? नहीं मेरे कमरे में, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आओ, दरवाजा भी खुला छोड़ा है। हाय। पहली वाली की माँ है यार। क्या बात है, बड़ी सस सवर के लेटी हुई है। हाँ आज तुम भी बड़े मूड में लग रहे हो। ऑफ कोर्स मैं बड़े मूड में हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से तड़प रहा था कि मैं कब अपने दिल की भड़ास निकालूं। मिस्टर राज मल्होत्रा, मुझे भी इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था कि कब मैं इस दिल की आग बुझाऊंगी। यानी कि आग आपके दिल और जिस्म में बराबर की लगी हुई है और आप तड़प रही हैं अपने दिल की आग मेरे जिस्म के हवाले करने के लिए। मगर माफ कीजिएगा मैडम अंजलि, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जो आप चाहती हैं, इसलिए कि मेरा एक क्लास एक स्टेटस है, मैं तुम जैसी थर्ड ग्रेड लड़कियों का मुंह नहीं लगाता। What do you mean? चलाओ मत। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम नहायत ही फ्लर्ट फ्रॉड और थर्ड ग्रेड किस्म की गिरी हुई लड़की हो। ए माइंड योर लैंग्वेज, मुझ पे इतना बेहुदा इल्जाम लगाने से पहले खुद की शक्ल आईने में देख। क्या हो गया मेरी शक्ल को? लोफर, आवारा, जंगली, सीधी साधी लड़कियों को अपने जाल में फंसाने वाला कितना बड़ा कमीना है। मैं तो कहती हूँ कि तुम मर्द जात के नाम पे एक धब्बा हो। धब्बा तो क्या, धब्बा क्या पाओ? ओके ऑलराइट, तुम जो चाहती थी वो मैंने नहीं किया तो तुम्हें बुरा लग गया? कूल डाउन, रिलैक्स। जब तुम्हारी चाल मुझ पर नहीं चली, जब तुम्हारी दाल मेरे साथ निकली तो बड़ी सती सावित्री बनने का ड्रामा कर रही है। हाँ, मैं सती सावित्री बनने का ड्रामा कर रही हूँ, खुद शादीशुदा होके दूसरी लड़की को देख के लाट टपकाते फिरता। हेलो, किसने कह दिया तुमसे कि मैं शादीशुदा हूँ? ओ, तुम्हारी खुद की बीवी ने।
मेरी बीवी का पता हुआ यार। बहुत साल पहले। शट अप, कुछ शादीशुदा होकर बकवास कर रही है मेरे बारे में। मैं शादीशुदा हूँ? वाह, अब मैं शादीशुदा बन गई। बाय द वे, ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं शादीशुदा हूँ? तुम्हारे पति ने। ओ, अब मेरा पति भी हो गया। पैदा नहीं हो गया। He is there and I talk to him every day. Daddy, don't try to make me fool. How dare you touch me? Yes, what can I do for you, sir? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप जो करेगा हम करेगा, तुमको कुछ करने का जरूरत ना। हेलो हेलो अंजलि, जल्दी बता क्या हुआ? जैसा तूने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हेलो, हाँ जल्दी बोल क्या हुआ? कुछ नहीं यार, तुझे जैसा तूने सोचा था ना वैसे कुछ हुआ ही नहीं। दरअसल उसने ना सिक्योरिटी के दो आदमी मंगा रखे थे और उन दो आदमियों ने मुझे बड़ा मारा है यार। नहीं नहीं, तू झूठ बोल रहा है, मैं मान ही नहीं सकता। दरअसल ना मेरे हिसाब से तेरी वाइफ बड़ी शरीफ औरत है यार। अच्छा, तो शरीफ औरत है? हाँ ऐसा मेरा ख्याल है यार। तूने उसे रूम में बुलाया था और वो आया था? आया था। उसने तुझे कमरे में बुलाया था? हाँ। और तू कमरे में गया था? हाँ हाँ। और फिर वो तेरे साथ थोड़ी देर था? हाँ। और फिर वो अच्छा आदमी हो गया? उसके बाद वो शरीफ हो गई है। हाँ यार, उसके बाद तो आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हर। वो क्या है, ज्यादा बात करने का चांस मिला नहीं, वो पुलिस ने मुंह तोड़ दिया था ना। हाँ, तो बोलती बंद हो गई थी उसके बाद से। लेकिन एक बात बताऊ, वो बाकी सब झूठ बोल रही थी मगर लड़की बड़ी शरीफ औरत है यार। लेकिन संजय, तेरा ये सब पूछने का मतलब क्या है? मतलब ये है डार्लिंग, मेरे हस्बैंड में यही तो खूबी है, जिस लड़की के साथ वो थोड़ा सा वक्त बिता लेता है फिर वो लड़की उसी के गुनगाने लगती है। शेम ऑन यू अंजलि, शेम ऑन यू। यार संजय, यार तेरे लिए मैंने अपना दो बार मुंह तुड़वाया, एक बार दिल तुड़वाया, तू मुझ पर शक करा यार, तेरा तो भगवान भी भला नहीं कर सकता हरामखोर। दिस इज राइट राज मल्होत्रा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पूरा माइंड का शॉर्ट सर्किट हो गया है, धूं सा छूट गया दिमाग का। मुझे तो लगता है आपकी बीवी CIA की एजेंट है। एक ही रात में उसने राज मल्होत्रा को अपनी तरफ मिला लिया और आपको सर से पांव तक हिला दिया। मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा सब। ओह माय गॉड, तुम यहाँ? तुम तो यूरोप टूर पे गई थी ना? यूरोप टूर पे मैंने अपनी सहेली को भेज दिया था मेरी जगह, ताकि मैं यहाँ रहकर तुम पे नजर रख सकूं, समझे? ओहो, वेरी स्मार्ट है। जानेवन सच तो यह है कि मैंने भी अपना एक दोस्त उसी टूर पे भेज दिया था। ओह, आई सी। डैडी कमाल हो गया। तुम मिनट छाप रहे, मिनट छाप रहे ना। संजय की पत्नी जिंदाबाद है, चोटी वाला जिंदाबाद। जिंदगी भर हम उनको लूटते रहेंगे, केस को लंबा चलने दो। अरे चिंगम की तरह मेटरवा खींचने दो। बापू नौकरी गई, अरे केस भी गया। भाग ले बापू, निकल ले बेटा। कसूर उनका नहीं, हमारा है। हमने कभी एक दूसरे पे विश्वास किया ही नहीं संजय। अंजलि, विश्वास एक ऐसा समुंदर है जिसमें शक की एक हल्की सी मौज भी उठती है ना, तो एक ऐसा भयानक तूफान खड़ा होता है कि उसमें सब कुछ डूब जाता है। और हम उस तूफान में डूबते डूबते बच गए। संजय, प्रॉमिस मी कि हमारे साथ अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं, कभी नहीं। संजय, तुमने कभी ये सोचा है कि हमारी इस सब गलतफहमी में राज और अंजलि का क्या हाल हो रहा होगा? बड़ी योड़प अच्छा है, पर उल्लासनगर वाली बात नहीं है। उल्लासनगर तो उल्लासनगर है। तुम भी स्ट्रेंज आदमी नहीं। उल्लासनगर में बैठ के बोलता यूरोप अच्छा, यूरोप में बैठ के बोलता उल्लासनगर अच्छा। एक बात बोलो नी, बाहर निकलने के लायक ही नहीं है। अरे साईं, अपना काम करो नी। एक बात कहूँ चौधरी साहब, एक बात नाराज होके कहीं यूरोप के टूर पे चली जाएगी। हाँ। नहीं डैडी, अब आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी कर लूंगी। आई हैव नो कंप्लेंट्स। अरे वाह, अगर मुझे पहले मालूम होता कि मेरी बेटी यूरोप जाके अपने ख्यालात इतने बदल देगी तो मैं इसकी पढ़ाई लिखाई सिर्फ यूरोप में ही कराता।
मेरी बेटी ने शादी के लिए हाँ कर दी है, जिंदगी के मेरे सारे टेंशन दूर हो गए। भाई साहब, शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए। अरे तू जाके जल्दी शादी का फर्स्ट क्लास इंतजाम कर बस। आप देखते रहिए भाई साहब, दिल्ली का नंबर वन केटरर और नंबर वन टेंट वाला पकड़ के लाता हूँ।